बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस में बहुत एसेंशियल रहती है, लेकिन कुछ ऐसी सॉफ्ट स्किल होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे मेजर जो सॉफ्ट स्किल मेरे को लगती है बिजनेस में इतने साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने फील किया है और जो मोस्टली पर्सन्स में नहीं होती, वो पेशेंस होता है। आप इग्नोर कर सकते हो, आपको ये कोई नहीं सिखा सकता। आपको बिजनेस करना सिखा सकता है, कैलकुलेशन करना सिखा सकते हैं, मार्केटिंग करना सिखा सकते हैं, सेल्स करना, सब आप सीख सकते हो। लेकिन जो पेशेंस है, अगर वो आप में नहीं है तो आप मोस्टली केसेस में फेल हो जाते हो बिजनेस के। क्योंकि क्या होता है, आप कितने भी ज्यादा मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, सेल्स में एक्सपर्ट हो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेके आ जाओ, लेकिन उसको मार्केट में स्टेबल होने के लिए टाइम लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब मार्केट में कितना अच्छा प्रोडक्ट लेके जाओगे तो वो पहले एज ए सैंपल आप दोगे मार्केट में, या उसको लोग यूज करके देखेंगे। अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो फिर उनको रिजल्ट आता है, फिर दो बंदे और लेंगे उसको। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम लग जाता है आपको वहां पे उस प्रोडक्ट को चलाने में, और ब्रांड बनने में बहुत टाइम लगता है। जब लोगों को विश्वास होना शुरू होगा तो उसको जब आप शुरू करते हो और जब आपका बिकना शुरू होता है एक अच्छी तरह, इतना पैसा कमाना शुरू करता है कि आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह रन कर सको, तो वहां पे बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और कई मामलों में भी पेशेंस की जरूरत होती है, जैसे अगर आपका वेंडर टाइम से माल नहीं दे रहा है तो वहां पे भी आपको बड़ी पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती। आपका प्रोडक्ट चल जाता है लेकिन आप उसको अच्छी तरह अवेलेबल नहीं कर पा रहे हो, मार्केट में बहुत सारी कंडीशंस बन जाती है। और बहुत एक सबसे मेजर जो मेरे को पेशेंस जहां पे रखनी पड़ती है वो पेमेंट का मामला होता है। आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका क्लाइंट, पेमेंट के मामले में कभी कभी एबीसी मार्केट सिचुएशन है या उसकी अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स है या कुछ भी, एबीसी हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, किसी की वजह से पेमेंट का फ्लो बहुत रुक जाता है। तो वहां पे भी आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। तो जो बिजनेस के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव्स में से पेशेंस का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में। और दूसरा, आपकी जो पेमेंट आ रही होती है, जो आपकी इनकम होती है बिजनेस में, वो स्टार्टिंग लेवल में बहुत कम होती है, और आपको वहां पे ये भी पेशेंस रखना पड़ता है कि अभी आप अपने बिजनेस से पैसा ना निकालो। आप दूसरों को देख के कि वो ये कर रहा है, ऐसे कर रहा है, उसने अपना लाइफस्टाइल ऐसे कर लिया है, तो अपने लाइफस्टाइल को भी बिल्कुल साधारण तौर पे सिंपल रखने के लिए भी आपको बड़ी पेशेंस की जरूरत होती है। बड़ी आपको वहां पे अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है। तो बहुत प्रोस्पेक्ट्स होते हैं पेशेंस के मामले में जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना पड़ता है। जहां पे भी आप इंपेशेंस होते हो, जहां पे भी आप धैर्य को छोड़ते हो, वहीं पे आपको नुकसान खाना पड़ता है। और अगर लगातार आप पेशेंस के बिना चलने की कोशिश करते हो तो थोड़े टाइम बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं है, और आप इससे निकलने की कोशिश करोगे, नुकसान खा के फिर आप को वही लगेगा कि आप यहाँ पे हार गए हो, आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो पेशेंस एक बहुत बड़ी सॉफ्ट स्किल है जिसको आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये आपको अपने अंदर खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी।